नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सृष्टि एंड भव्य। ये वीडियो हमारे कंटिन्यूएशन है ऑफ द समर कैंप, जो समर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसका ये पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें बेसिकली मैंने समर कैंप में जो हम बच्चे को एक्टिविटीज़ कराते हैं, इफ़ यू लाइक अ वीडियो डू गिव्स अ थम्स अप, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर हैविंग किड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल सृष्टि एंड भव्य। जो हमारी एक्टिविटी है वो हम बनाएंगे DIY बर्ड फीडर। उसके लिए दो प्लास्टिक के बॉल, जूट का धागा, सीजर और स्क्रू ड्राइवर और पेंसिल चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बॉल है उसे हम मार्किंग करके होल कर लेंगे और स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा सा हीट अप करके उसको होल कर लेंगे। फिर बाद में जूट का जो धागा हमने लिया है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करना है और फिर बाद में उसके 1 by 1 हमें उसको कट करके उसके जो हमने होल बनाए थे बॉल के अंदर हम डाल देंगे। बेसिकली ये हमने इसलिए कराया क्योंकि हम अपने बच्चों को नेचर फ्रेंडली और उनको लव प्यार सिखा सके टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अभी 1 by 1 हम उसे होल्स के अंदर डाल देंगे, तीनों जो तीन होल बनाए हैं तीनों होल के अंदर डाल देंगे और बाद में सेकेंड वाला बॉल उसके ऊपर रख के उस होल के अंदर डाल के ऊपर से हम नॉट बांध देंगे। एक बार जब ये बन जाएगा पूरा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि नीचे वाला बॉल है उसकी जो हमने खाना जो बर्ड्स के लिए है वो हम डालेंगे और ऊपर में हम पानी डाल के इस तरह से ये बर्ड फीडर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे ग्रीन पीस पॉट और उसके लिए सबसे पहले जो पेपर प्लेट है उसे हम राउंड शेप में, पास ये बड़ा वाला है, आप छोटा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बड़े वाले से मैंने एक स्मॉल पीस उसका कट कर लिया राउंड शेप में और उसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। फिर बाद में जो क्राफ्ट पेपर लिया है उसमें छोटे छोटे सर्कल्स, टोटल 4 जो पीस मटर के दाने रहते हैं वैसे राउंड शेप हमें कट करके लेना है। टोटल हमें 4 शेप्स ऐसे काट के लेने हैं। फिर बाद में उसमें हम ये बच्चों से हम उसमें स्माइली बना सकते हैं और जो हमने स्टार्टिंग में जो पेपर प्लेट कट किया था उसके बैक साइड में हमें ग्रीन क्रियॉन से उसे कलर करना है और फिर बाद में इसे ऐसे काट करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे और जो हमने मटर के दाने जो पीस बनाए थे वो हम 1 by 1 ऐसे ऊपर स्टिक कर लेंगे और नीचे फिर फेविकॉल लगा के जो ग्रीन पार्ट हमने जो कलर किया था क्रियॉन से वो हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो इस तरह कुछ बनता है हमारा ग्रीन पीस पॉट। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसके लिए हमें चाहिए ब्लैंक पेपर, वाटर कलर, पेंट ब्रश। पहले तो हम क्या करेंगे कि जो ग्रीन कलर है वाटर कलर का वो हम हाथ पे इसको प्रिंट कराना है, तो हम हाथ पे पेंट ब्रश से उसके हाथ को हम कलर कर लेंगे और ब्लैंक पेपर पे ऐसे हैंड प्रिंट करा लेंगे। फिर बाद में जो उसका टिप है फिंगर का वहाँ पर हम रेड कलर के ऐसे फिंगर प्रिंटिंग करा लेंगे एक एक डॉट की तरह। एक बार जब ये पूरा बन जाता है फिर एक ईयरबड लेंगे हम, पिंक कलर जो भी आपको कलर पसंद आए उसके, मतलब इससे फ्लावर बनाना है। ये ईयरबड की हेल्प से वो एक एक डॉट बना रही है साइड में। नेक्स्ट हम सिखाएंगे बच्चों को पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होते हैं लीव्स, रूट, फ्लावर्स, स्टेम, ये सब सिखाना है। तो पहले सबसे पहले एक ब्लैंक शीट में हम स्टेम बना के लेंगे ग्रीन कलर से, फिर बाद में पेंट ब्रश और वाटर कलर से बाद में नीचे हमें रूट्स बनवाना है बच्चों से। एक बार ये रूट्स बन जाते हैं फिर एक फ्लावर लीजिए और फ्लावर पे आपको जो भी आपको कलर पसंद है वो आप कलर करा लीजिए और फिर इसे जो स्टार्टिंग में एंड टिप है वहाँ पर इसे प्रिंट करवा लीजिए, फ्लावर प्रिंटिंग करा लीजिए। फिर बाद में जो ब्लैंक लीव्स, छोटे लीव्स लीजिए उसमें भी सेम तरह आपको ऐसे कलर प्रिंट कराना है, जैसे उसको कलर करिए और बाद में उसको प्रिंट करा लीजिए। ऐसे आपको जितने भी लीव्स चाहिए आप ऐसे कलर करा के आप उसे प्रिंट दिलवा दीजिए। फिर बाद में एकदम लास्ट में सीड्स बनाने हैं, तरह से दिखेगा हमारा पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विद फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड सीड्स।